पढ़ना क्या बच्चे देख लो और क्या आप क्या बोल रहे हो। आज का ये एक्सेंट आपको गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी की सच्चाई और ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट का सच दोनों ही दिखाएगा, जहां जो लोग क्रम्पल जोन की बात करते हैं कुछ अनसेफ गाड़ियों में, उन्हें भी फर्क समझ में आ सकेगा और उनकी आंखों से पट्टी हट पाएगी। तो आज चैनल पर आप दो एक्सेंट्स देखेंगे जिसमें तीन कार शामिल है, जिसमें से दो अनसेफ कार्स हैं और दोनों एक्सेंट में यहाँ एक कॉमन कार है जो ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 4 स्टार लाई है। तो ये एक्सेंट मिस्टर युवराज और मिस्टर मोहित ने हमारे ईमेल पर शेयर किए थे। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पहला एक्सेंट टाटा टियागो और मारुति एस्प्रेसो के बीच रिपोर्ट किया गया है। एज पर रिपोर्ट ये एक्सेंट गांधीनगर गुजरात से रिपोर्ट किया गया है, जिसमें सामने चल रही एस्प्रेसो ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया, जिस वजह से पीछे चल रही टियागो की एस्प्रेसो से टक्कर हो गई। एक्सीडेंट के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों में किस तरह की डैमेजेस हैं। यहाँ एस्प्रेसो के बम्पर और बोनट पर डैमेजेस देखी जा सकती हैं, दूसरी तरफ टियागो के बोनट पर कुछ हल्की डैमेजेस विजिबल है। यहाँ दोनों गाड़ियों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब अगला एक्सीडेंट आपको क्रम्पल जोन का सच साफ दिखाएगा। ये एक्सीडेंट ह्यूंडई सेंट्रो और टाटा टियागो के बीच हुआ है, जहां टियागो चला रहे एक अंकल के सामने से अचानक एक बाइक कट मारते हुए गई, जिस वजह से उन्हें सडनली ब्रेक अप्लाई करना पड़ा और पीछे से आ रही सेंट्रो की टक्कर टियागो से हो गई। सेंट्रो में यहाँ 20 से 21 साल के लड़के थे, जो टक्कर होने के बाद रोने लगे और वो बिना बताए शायद घर से गाड़ी लाए हुए थे और इसीलिए अपने पापा के डर से वो यहाँ रो रहे थे। पढ़ना क्या बच्चे देख लो और क्या आप क्या बोल रहे हो। और डर लगेगा भी, क्योंकि सेंट्रो में यहाँ काफी हैवी डैमेजेस बोनट पर आई हैं, जिसमें बोनट बम्पर पर डैमेजेस पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ टियागो के बम्पर पर कुछ हल्की डैमेजेस आई हैं। तो क्रम्पल जोन और चूरण जोन का डिफरेंस आप साफ समझ सकते हैं, जिसमें टियागो एस्प्रेसो सेंट्रो की कंडीशन को आप दोनों तरह के एक्सीडेंट में कंपेयर कर सकते हैं। ये बात सही है कि क्रम्पल जोन होती है कार्स में, पर वो क्रम्पल जोन एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट के बाद ही काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर पर आवर पर हुए एक्सीडेंट में ही क्रम्पल जोन क्रम्पल हो जाए, क्योंकि माइनर एक्सीडेंट में अगर गाड़ियों के ये हाल होंगे तो मेजर एक्सीडेंट में क्या होगा आप समझ सकते हैं, और इसीलिए आपको एक सेफ कार लेने के लिए कहा जाता है। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि क्रम्पल जोन और चूरण जोन का फर्क लोग समझ सकें। साथ ही आपका ऑब्जर्वेशन इस एक्सीडेंट के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।